दोस्तों ये कबूतर पकड़े हमने जंगली, अब इसको छोड़ के दिखा था आपको मैं। दोस्तों अभी अभी एक जंगली का पट्टा आके बैठा है, देखिए बिल्डिंग पे टंकी के ऊपर में। दोस्तों बहुत छोटा पट्टा है और इसकी चोंच के ऊपर माता ही। दोस्तों शायद से आपको इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, मगर मुझे क्लियर दिख पा रहा है एकदम। छत के ऊपर आ गए दोस्तों फाइनली जंगली का पट्टा, और ये बैठा है दोस्तों, आके देखिए आप। दोस्तों बस लपकने वाला था, बस लपकने वाला था दोस्तों एकदम। पकड़ लूँगा इसको दोस्तों किसी भी तरीके से, मैं देखते रहना वीडियो में एंड तक पूरा। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज पच्चा एकदम। दोस्तों एक जगह दाना दाना डाल दिया मैंने। अब दोस्तों इंतजार करते हैं हम कब नीचे आएंगे। वो देखिए बांस के ऊपर बैठा है जंगली कबूतर दोस्तों, उसकी चोंच के ऊपर में दोस्तों माता है। तो दोस्तों माता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो ठीक हो जाएंगी। कमाल की बात है दोस्तों जंगली कबूतर है, और ऐसा जंगली दोस्तों आपने देखे नहीं होंगे इससे पहले कभी। इसको ज़्यादा छिड़ भी नहीं सकते हम, उसका मूड होगा दोस्तों जब ही नीचे उतरेंगे। वो दोस्तों बहुत ज़्यादा करीब था मेरे, वो ले दोस्तों उसको कितना भी बोलेंगे ले। आ आ आ आ गया दोस्तों, आ गया, अब पकड़ूंगा दोस्तों इसको मैं फाइनली। मिशन सक्सेसफुल दोस्तों, कबूतर पकड़ लिया हमने, इसका मैं आपको शॉक्स भी कराऊंगा। दोस्तों पानी पकड़ा इसको मैंने दोस्तों, एकदम रेसर टाइप में कबूतर का बच्चा है, इसको शॉक करा था आपको मैं। दोस्तों फाइनली कबूतर पकड़ लिया मैंने, अचानक से दोस्तों टंकी के ऊपर मैं आके बैठा था और ये कबूतर पकड़ा मैंने खैरा। दोस्तों जंगली कबूतर है देखिए आप, इसकी चोंच का शॉक, आग का शॉक कर लीजिए। पट्टच कबूतर दोस्तों, इसकी चोंच के ऊपर माता ही है बहुत ज़्यादा, तो इसका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके पर का शॉक कर लीजिए आप, ऐसी कुछ दोस्तों इसके पर है। और दोस्तों अलग डिज़ाइन में कबूतर का बच्चा एकदम, इधर के पर का शॉक करिए दोस्तों आप। और इसको मैंने पानी के ऊपर पकड़ा दोस्तों, तो थोड़ा पर ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मैं मेरे कबूतर को नहला रहा था, तो पानी पड़ा था तो दोस्तों पानी पीने पर आया, और उधर दोस्तों कबूतर को दाना डाला था मैंने, तो कबूतर दाना भी खा रहे हैं। इसके कबूतर पंजे का शॉक कर लीजिए आप, पैर के ऊपर में दोस्तों इसकी माता थोड़ी सी देखिए आप। तो दोस्तों इतने दिनों के बाद दोस्तों एक जंगली कबूतर पकड़े हमने, वैसे दोस्तों एक जंगली कबूतर हमने पकड़े थे, तो जंगली कबूतर हमने लौटा दिए थे, और बहुत सारे जंगली कबूतर पकड़े थे तो हमने लौटा दिए थे। और हमारे घर के जो जंगली वादी थी वो दोस्तों अभी तक क्या ही नहीं, तो ये पकड़े अभी हमने पट्टा एकदम, तो इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे, इसको हमारे साथ में रखेंगे। दोस्तों मोटी चोंच एकदम इसकी, और दोस्तों एकदम लाजवाब कबूतर पकड़ा मैंने आज। दोस्तों अभी मैं इसके पर बांधता और पर बांध को छोड़ के दिखाता। दोस्तों ये कबूतर पकड़ा मैंने जंगली देखिए, अभी इसके पर बांधा मैंने, और यहाँ पे पानी पड़ा था तो दोस्तों इस जगह इसको मैंने पकड़ा। तो दोस्तों थोड़ा गिल्ला हो चुका है कबूतर, मगर कोई नहीं दोस्तों, जब कबूतर सूख जाएगा तो उसके ऊपर की जो मट्टी लगी है पूरी निकल जाएंगी। इसकी चोंच के ऊपर बहुत ज़्यादा माता ही है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करके इसको ठीक कर लेंगे। और अभी कबूतर नहा रहे इधर में, तो पूरा पानी पड़ा है, और ये है हमारा जंगली। दोस्तों ऐसे कलर में आपने जंगली कबूतर शायद ही आपने कभी देखे होंगे। वाह दोस्तों देखिए कितनी ताकत है इसमें, जंगली का गया। दोस्तों ये गया जंगली हमारा, जो कि दोस्तों आप ये जंगली तो कोई ले जा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आप ये जंगली दोस्तों प्योर जंगली है, आपने इससे पहले ऐसा जंगली देखी नहीं होगी। एकदम चौड़ी मुंडी का जंगली कबूतर है दोस्तों देखिए आप। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि एकदम छोटा बच्चा है, जो दोस्तों कबूतर है 10 पर आते वो 10 पर भी दोस्तों इसके मिलने के, आप समझ लीजिए अब कितना छोटा बच्चा है, मतलब घोंसले में से निकला और सीधा दोस्तों हमारे छत पे आया, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसकी चोंच के ऊपर मैं इसके पर के ऊपर माता ही है, तो इसका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो,
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।